नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू फाइंड आउट दिस करंट आई नॉट। ठीक है, सो ये किस तरह से करेंगे, आप ये देखें कि 6 parallel to 3 आपको दिख रहा है। सो इंस्टेड कि आप यहाँ पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इट इज़ बेटर दैट यू कंबाइन दीज टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस फर्स्ट। ठीक है, सो 6 parallel to 3 का जो इक्विवेलेंट आएगा दैट वुड बी 2। ठीक है, सो ये 2 ohms का इक्विवेलेंट आ जाएगा। नाउ 5 ampere करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस दैट मीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टेज सोर्स। नाउ 5 into 2 दैट मीन्स ये 10 volt का सोर्स हो जाएगा एंड ऊपर की तरफ एरो है, दैट मीन्स ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा और ये जो सोर्स है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इन सीरीज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नाउ ये रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 2 ohms। नाउ अब आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस प्लस, दैट मीन्स दोनों एडिटिव पोलैरिटी के साथ हैं। सो इसलिए आप इसको कंबाइन करके 15 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये देखें आप कि ये 1 and 4 आर इन सीरीज, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4+1 दैट मीन्स 5 ohms हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो दो चीज़ें आपके पास, वो क्या है कि आप इसको टोटली पैरेलल सर्किट में कन्वर्ट कर लें। वो कैसे होगा, जब आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स ये 15/2 दैट मीन्स ये 7.5 ampere का सोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ एरो। ठीक है, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ जाएगा, पैरेलल में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल में। नाउ ये करंट सोर्स ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, दोनों पैरेलल में है, दैट मीन्स दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सो ये करंट सोर्स यहाँ से ख़त्म कर दो और ये कितना हो जाएगा, 10.5 ampere। ठीक है, नाउ मुझे इसमें करंट चाहिए तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ये दोनों को तो कंबाइन कर सकता हूँ ना। सो 5 parallel to 2, ठीक है, दैट मीन्स 5 into 2 divided by 7, दैट मीन्स 10/7। ठीक है, सो दिस रेजिस्टेंस बिकम्स 10/7 ohms। नाउ दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, करंट कितना आ रहा है यहाँ से, 10.5 ampere, दैट मीन्स करंट डिवीजन रूल कैन बी अप्लाइड। नाउ दैट मीन्स आई नॉट आपको निकालना है, आई नॉट किस में फ्लो कर रहा है, 7 ohms में, दैट मीन्स आपको ये रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में लेना होगा, 10/7 divided by sum of resistance, दैट मीन्स 7+10/7 into टोटल करंट, दैट इज 10.5। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो ये कितना होगा, 10/7 divided by 7, 749 and 59/7, सो 7 से 7 कैंसिल होगा into 105/10, सो ये 10 से आप ये 10 कैंसिल कर सकते हैं, सो दैट मीन्स 105/59, सो 105/59, सो ये आएगा आपका 1.779, दैट मीन्स नियरली 1.78 ampere आपका आंसर होगा। ठीक है,